तो गाइस ये सुबह सुबह रेडी हो चुका है स्कूल जाने के लिए। हाविश निकल ही रहा है। लोकेश के टाइम पास अभी टाइम है थोड़ा सा, यही ब्रेकफास्ट करेगा। आपके पास एक मिनट है, चलो। उसके पास एक घंटा है पूरा, चलो स्कूल के लिए। चलो चलो, लेट हो गए। चलो जो बच्चे का लेट होना चाहिए इसका जल्दी होना चाहिए। ये घर में बैठेगा भी एक घंटा आराम से। चलो ठीक है, चले जाओ, हम वापस आ जाए। हम इतने बैठ के टीवी चला के देखते हैं। बस टीवी नहीं, कुछ खेलेंगे तो। चलो चलो जल्दी चलो। तो गुगी ऑलरेडी जा चुका है, चाचा जी नीचे हमारा वेट कर रहे हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं। ये वो बन गया पाली जी की लड़की। पापा बेचारे रात से जाग रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, थोड़े थोड़े बादल है, कल भी थे वो तो। Hey guys, good morning. अभी मैं आई हूँ सुबह सुबह मैरोली, मैरोली आने के लिए मैं मैरोली से आई हूँ क्योंकि हम लोग लेना है आलू पूरी जो यहाँ पर फेमस है सूरज हलवाई की। देखते हैं ये बन रही आलू पूरी। एक मिनट, ये रही आलू पूरी यहाँ की फेमस। और ये देखिए सुबह सुबह का माहौल। गाइस अभी तो बहुत कम भीड़ है, जितना टाइम बढ़ते रहेगा उसके बाद देखना आप कितनी भीड़ होगी। और हाँ, 6 समोसे पैक भी कर देना भैया, गरम गरम समोसे भी आ गए हैं यहाँ पे। बस सब्जी एक्स्ट्रा कर देना प्लीज, और चटनी अलग पनीर बताना ज़्यादा। 6 समोसे भी कर दो। ठीक है ठीक है, देना। ये देखिए सुबह सुबह क्लीनिंग हो रही है यहाँ पे। तो अब इतना खाली है कि आप आराम से घूम सकते हो। 10 बजते के साथ ये मैरिज लगेगी कि ऐसे यहाँ पे क्या हो गया। वाह, छोटा सा बच्चा मंकी का कहाँ है? अच्छा ये रहा, केला मांग रहा है वो। खराब केला दे दो उसको। नहीं हाँ, ये दूसरे ने लिया उसका केला, तो कह रहा एक और फेंको, कह रहा मेरे को भी दो। ये देखिए सुबह सुबह इनको दिखते हैं केले, तो केले लेने आ जाते हैं ये लोग। वो देखिए, ये देखिए, ये मैरिटी का हाल है यहाँ, कुछ भी उठा के भाग जाते हैं ये मंकी। ये तो शुरुआत है अभी, है ना सुबह सुबह। हो गया पैक? ठीक है भैया, बस अब हम जा रहे हैं घर, घर जाके मिलते हैं आपको गाइस। अब हम जा रहे हैं गाइस दही लेने, चलते हैं सियारा दही लेने के लिए। वहाँ पे खुली और दही फ्रेश मिलती है सुबह सुबह। ये हमारी मैरोली की गलिया, यहाँ आपको सब कुछ खाने को मिलेगा, छोले भटूरे, छोले कुलचे, सब कुछ जो भी आपको चाहिए खाने को सब मिलता है।
देखिए आगे ट्रक गाइस पहुंच गए हम सीर आप पे बोलते हैं भैया 1 किलो दही कर दो फ्रेश होगी ना जल्दी पैक कर दो गलत जगह पे अपनी स्कूटी लगा रहे ये दूध वाली गली है ना तो गाइस ये दूध वाली गली है यहाँ पे भी आलू पूरी मिलती है यहाँ से भी ले सकते हो आप सुबह सुबह सब्जी का ट्रक आता है अब तो स्टार्टिंग है एक हो गई पैक क्या जिस गली से मजा आ रही हुई है दरगाह वाली गली तो देख आते हैं ये गली यहाँ की गलियाँ बड़ी फेमस है इनके नाम रखे गए हैं और गाइस यहाँ पे एक दुकान है जिसमें मैक्रोनी और चौमिन के समोसे मिलते हैं इसको लेना है यहाँ पे आके ले सकता है दरगाह वाली गली से दरगाह वाली गली अभी जब तक मैं अंदर मैरोली के अंदर मार्केट से तो वीडियो बना सकती हूँ उसके बाद मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि मैं अकेली हूँ और मैं अकेली ड्राइव करूँगी तो इसलिए बस आपको मैरोली का दिखा सकती हूँ मैरोली के बाहर मैं आपको कुछ नहीं दिखा सकती यहाँ पे एक काटी रोली बड़ा फेमस है यहाँ पे जो भी है यहाँ पे खाना ये अंदर घुसते के साथ ही है सुबह सुबह फ्रेश फ्रूट एंड ऑल सब चीज़ें यहाँ पे फ्रेश मिलती है ये देखिए ये देखो सुबह सुबह लगने चालू हो गए हैं फ्रूट यहाँ पे अब हम पहुंच गए अग्रवाल स्वीट्स पे इसके यहाँ के छोले भटूरे बहुत फेमस है गाइस सियाराम अग्रवाल स्वीट्स दोनों सामने सामने हैं नीचे वो गोलगप्पे वाले की दुकान है यहाँ तो मैं जब स्कूल टाइम में थी तो मैं यहाँ पे गोलगप्पे खा रही हूँ यहाँ पर सोडा वाला ही बड़ा फेमस है चलो गाइस अब हम आपको घर जाके मिलते हैं क्योंकि अब मैं यहाँ पर एंडिंग कर रही हूँ वीडियो की अब जैसे ही बाहर निकलते हो तो यहाँ पे मैरोली में है बस स्टॉप जो कि जाके यहाँ पे एंडिंग होती है अंदर जाके तो ये देखिए यहाँ से ही इधर से आते हैं मैं देखूँ ये यहाँ से आती है सारी बसें अंदर से क्योंकि अंदर ये लास्ट आ गया है लास्ट और ये देखो अभी बस ही बस जा रही है आना जाना इनका लगा रहता है और यहाँ ये तहसील है क्योंकि यहाँ पे वर्क होता है किसी भी कोई भी डॉक्यूमेंट लेके आ जाओ वहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट का काम होता है ये लोग यहाँ बैठते हैं तो आज सैटरडे है तो इसलिए आज ये बंद है तो बस ये प्राचीन शिव मंदिर चलो आपको थोड़ा सा और दिखाते हैं आगे एक योगमाया मंदिर भी है वो ही बड़ा फेमस है मैं कभी आपको अंदर जाके यहाँ पे दिखाऊंगी गाइस यहाँ पे इतने सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं और बूटीक भी हैं बड़े बड़े डिजाइनर्स यहाँ पे आते हैं ये यहाँ पे ड्रम्स देखिए ये हमारा कुतुब मीनार बड़ा फेमस है चलो चलो आराम आराम चलो वैसे सभी लोग तो कुतुब मीनार तो घूम चुके होंगे बहुत बार मगर घूमने का शाम इवनिंग टाइम व्यू बहुत अच्छा होता है कुतुब मीनार का ये देखिए यहाँ बड़े बड़े डिजाइनर्स आते हैं
ये पूरा बूटी के यहाँ पे बड़े बड़े मनीष मल्होत्रा, सब्यसाची और नाम मुझे इतना पता नहीं है वैसे। आप तो यूट्यूब आप गूगल पे कुछ सर्च करना। ये देखिए गाइस, अभी मैं इसलिए वीडियो बना पा रही हूँ क्योंकि अभी रोड सुबह का टाइम है तो रोड खाली है, इसलिए मैं चला पा रही हूँ आराम से। मगर मैं उधर स्टैंड पे ये स्टैंड पे जाके अब मैं वीडियो बंद कर दूँगी। ये यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं डिजाइनर, यहाँ पे ये पार्किंग है गाड़ियों की। स्टॉप करती हूँ वीडियो को, वैसे अब मैं घर जा रही हूँ, वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने घर, अपनी गली में छतरपुर। ये देखो चप्पी, अभी मैं जा रही हूँ दाड़ूसराय क्योंकि मेरी पासपोर्ट की वेरिफिकेशन के लिए आए हैं, तो उन्होंने मुझे बोला है कि आप आ जाओ और उसके बाद वो मेरी वेरिफिकेशन करेंगे। तो अभी हम लोग, मैं जा रही हूँ अकेले दाड़ूसराय। तो गाइस घर के बाहर ऑटो पड़ा है, आकर रखा है, मैं पूछती हूँ यहाँ पे। हाँ, हनुमान मंदिर के पास लाड़ूसराय। तो गाइस यही मैं ऑटो में बैठ गया, मेरे को एकदम ऑटो खड़ा हुआ था यहाँ पे, गए यहाँ पे ऑटो खड़ा हुआ था, ऑटो मिल गया तो मैं चलती हूँ। कौन पहनता है मास्क इतनी गर्मी में, कैसे पहने कोई मास्क? चलो देखते हैं। और अभी शाम के 5:20 हो रहे हैं, लेकिन इतनी खतरनाक धूप है अभी भी, बहुत ज्यादा। क्या अंकल? बहुत गर्मी है, बहुत। हाँ जी, और सुबह इतना अच्छा वेदर था, हमको लगा था कि बारिश होगी लेकिन हुई नहीं। Hey guys, अब हमारा डिनर टाइम हो चुका है और आज हमारे डिनर में है, देखते हैं। तो आपको पता ही होगा कि ईद आने वाली है, 10 तारीख की ईद है, मगर ईद से पहले हमारे घर में ईदी आ चुकी है, तो अभी शुरुआत हुई है हमारे घर में ईदी आने की। तो देखते हैं हमारे आज जो भी हमारे खास है उन्होंने हमारे लिए क्या भेजा ईदी में। ये है चिकन कोरमा और चिकन निहारी, ये सब हमारे पास है, और खमीरी रोटी इसमें है, और विद बिरयानी इसमें है, गेरी बिरयानी। तो और अब हम लोग, डिनर टाइम हमारा हो चुका है, तो हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। अभी तो शुरुआत हुई है, तो 10 तारीख की ईद है, तो उससे पहले हमारे पास आ चुका है, देखते हैं फिर अभी आगे और क्या क्या आता है, मिलते हैं आपको बाद में। होप गाइस आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी, ऐसे हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए, एंड कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके होती है कि आप लोग हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, बाय बाय, गुड नाइट। ये बस बाय बोलना शुरू करा अब इसने, उसके आगे ना ही कुछ बोलेगा ना उसके पहले कुछ बोलेगा, देखो मज़ा नहीं आता बोलने में, अच्छा नहीं लगता। क्यों तू बोलता क्यों नहीं है, रीज़न बता। नहीं मतलब कुछ तो होगा कि हाँ तू नहीं बोलता इस वजह से। तो भाई जिसके पास तो कोई रीज़न है नहीं, बाकी हमें पता नहीं, लेकिन ये वीडियो के पीछे बहुत ज़्यादा बोलता है और हद से ज़्यादा। तो हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय बाय।